क्या आप देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। नागरिकता कानून को लेकर देश भर में बवाल मचा है। नागरिकता संशोधन एक्ट के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं, वहीं इस मामले में सियासत भी खूब हो रही है। अधिकांश विपक्षी दल इस कानून को मुस्लिम विरोधी बताते हुए मोदी सरकार पर हमले कर रहे हैं। वहीं NRC को लेकर भी विपक्ष लगातार PM मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साध रहा है। इस बीच NRC को लेकर विपक्ष के आरोपों पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि NRC में धर्म के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं होनी है। न्यूज चैनल आज तक के एक कार्यक्रम में अमित शाह ने संशोधित नागरिकता कानून और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन यानी NRC पर सरकार का रुख साफ किया है। अमित शाह ने स्पष्ट किया है कि NRC में धर्म के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं होनी है। अमित शाह ने कहा कि NRC के तहत भारत के एक भी नागरिक की नागरिकता नहीं जाएगी, लेकिन एक भी घुसपैठिया नहीं बचेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि NRC केवल मुस्लिमों के लिए नहीं है। NRC पर उठ रहे सवालों पर अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता ये बताएं कि जब 1985 में असम समझौता हुआ तो पहली बार NRC स्वीकार की गई थी। 1955 सिटीजनशिप एक्ट के क्लॉज 14 में 3 दिसंबर 2004 को इसे जोड़ा गया था। इसके बाद 9 नवंबर 2009 को रूल 4 को जोड़ा गया जो NRC बनाने की शक्ति देता है। अमित शाह ने कहा कि इस दौरान कांग्रेस की ही सरकार थी, अब कांग्रेस अपने ही बनाए कानून पर हमसे सवाल कर रही है। क्या कांग्रेस ने शोकेस में रखने के लिए ये कानून बनाया था? नागरिकता कानून को NRC के साथ जोड़कर देखने के सवाल पर अमित शाह ने कहा कि देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ, जो कि नहीं होना चाहिए था। अमित शाह ने नेहरू लियाकत समझौते का जिक्र किया, जिसमें दोनों देशों के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर समझौता हुआ था। अमित शाह ने कहा, अब पाकिस्तान में केवल 3% हिंदू रह गए हैं, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की संख्या कम हो गई है। अगर समझौते के मुताबिक काम हुआ होता तो आज इस कानून को लाने की जरूरत नहीं पड़ती।